पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है हाउ मच गोल्ड इंडियन टेम्पल्स एंड इंडियन पब्लिक होल्ड। पाकिस्तान की पब्लिक ने रिएक्शन इस पे दिया कि मतलब जब उनको पता लगा कि इंडिया की पब्लिक और मतलब इंडिया के टेम्पल्स में कितना सोना है, तो उस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने क्या बोला, हम वो देखेंगे। रिबा इमरान का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। Hi viewers, this is me Dibaha Imran and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज का मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर हम गोल्ड रिजर्व के हवाले से बात करें तो भारत के गोल्ड रिजर्व जो हैं वो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आपको बताती जाऊँ, तो भारत को आने वाले टाइम में वो सुपर पावर कंट्रीज बनाने जा रहे हैं। वो इस हिसाब से कि 2018 की गोल्ड रिजर्व के हवाले से भारत की बात करूँ तो वो 558 टन के उनके रिजर्व थे 2018 में, और अगर 2020 की बात करूँ तो 704 टन के उनके रिजर्व थे। और मैं रिसेंट सिचुएशन की बात करूँ तो उनके जो गोल्ड रिजर्व हैं वो ऑलमोस्ट 744 टन के हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह उन्होंने कोविड की सिचुएशन के बावजूद उनके गोल्ड रिजर्व तो पब्लिक कभी इतना शामिल ही नहीं किया नजर आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि भारत के जो गोल्ड रिजर्व हैं आने वाले टाइम में वो फिफ्थ रैंक पर स्टैंड करने लग जाएंगे पूरी दुनिया में। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा नाम ही अबसार है। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि गोल्ड रिजर्व के हवाले से बात करें तो भारत जो है आने वाले टाइम में फिफ्थ रैंक पर आ जाएगा गोल्ड रिजर्व के मामले में भी, और सर आप इसको कैसे देखें? देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी इनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको, तो जारी बात है। और जब हम इंडिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद यहाँ पे जब हम आए हैं तो हम तो उस वक्त भी उनके मकरूज थे, बैंक रिजर्व और इंडिया से हमें पैसे लेने पड़े थे, तो डेफिनेटली अगर वो इस वक्त फिफ्थ नंबर पे आएंगे तो ऑलरेडी वो आप देखा जाए तो एक उसके पीछे एक लेगेसी है जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग है। बाकी ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है, पाकिस्तान के लिए भी सोने के मामले में चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे कोप करना आने वाले टाइम में और अपने आप को कितना लूट के लेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत अगर सुपर पावर गोल्ड से ही नहीं जा रहा आगे, उसने मतलब हर स्टेप उठाया हुआ है। मैंने पिछले दिनों में एक बात शेयर की थी आपसे कि मतलब वो हर चीज़ के बारे में ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड है उनका जो है एक प्रोजेक्ट है, उनका एक बिजनेस है, जैसे वो बिजनेस को चलाते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसी जगह पर पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, अपना गोल्ड उठाते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं। उनकी सुपर पावर की वजह ये होती है कि वो मतलब अपने जो है गोल्ड को देखते हैं, उनकी रियलिटी निकालते हैं, उनके जो सिचुएशंस होती हैं तमाम पॉजिटिव करते हैं अपने वो गोल्ड के बारे में। फिफ्थ कंट्री को अगर ये कंसिडर करते हैं ना, तो मेरे मामले में कि इनको तो एशियन प्रॉपर्टी में जो मिला हुआ है उस हवाले से है, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि दौर चेंज हो रहा है। रिज़र्व के हिसाब से उन्होंने रखा तो है रिज़र्व, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस हवाले से देखना चाहिए अपने मामलों को डेवलप करने के लिए। या नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है, तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया। अगर वो सोना दिखा दिया जाए तो फिर रैंक 5 पे भी इंडिया होगा। गोल्ड के इंडिया के पास ऑलरेडी टेंपलों में बहुत ऑलरेडी मोस्ट पहले भी उनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेंपलों में वगैरह, तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। कि आज के डेट में भारत के पास जिस मकदार, थोड़े इस साइड पे आइएगा, जिस मकदार में जो है गोल्ड पाया जा रहा है तो वो ये बंदा थोड़ा शर्माने वाला लग रहा है इसके बोलने में। मैं ये समझता हूँ जो मेरा जेन कहता है, क्योंकि ये जब बर्रे जगीर में ना, यानी कि बहुत वो था, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना जब ये जैसे कि पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ है, तो जो सोने का ज़्यादातर हिस्सा था ना, यानी कि जो पहाड़ों में या जहाँ से भी ये निकलता है, तो वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह से ना वहाँ पे सोना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला है वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं,
ठीक है ना, जो सोना निकाल रही है उसको किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है, इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हम हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलेगा और हम बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया आज की डेट, हाँ आप ये कह सकती हैं, ठीक है ना। और अगर यही काम हम करते हैं तो मेरे ख्याल से आज हम उनसे बहुत ज्यादा आगे होते, ठीक है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताती चाहूँ तो 2018 में जो उनका गोल्ड रिजर्व था उनके पास वो 500 समथिंग के राउंड अबाउट, 500 समथिंग के राउंड अबाउट उनके पास टन था जो गोल्ड रिजर्व है। 2020 की बात बताऊँ तो 700 समथिंग उनके पास रिजर्व था, 704 टन के राउंड अबाउट उनके पास टन रिजर्व था गोल्ड रिजर्व। और अब की बात बताऊँ तो रिसेंटली जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो उनके पास 744 टन जो है वो रिजर्व मौजूद है। सर इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? हर साल बढ़ता जा रहा है इंडिया का सोना है ना? आपने ये भी देखना होता है और उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत बड़ा जो आईटी का उनका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट करते हैं आईटी को, सो डेफिनेटली जब आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी और आपके मुल्क के अंदर अपने खर्चे कम होंगे, इम्पोर्ट आपकी कम होगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती हैं फिर आने वाले टाइम में। तो ये मेरे ख्याल में एक रीज़न है, एक तो ह्यूज है अपना आबादी का, उनको फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है उनकी देखा जाए इन टर्म्स ऑफ आईटी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो करती है फिर वो चीज़ें आके। देखें मैं इस मामला में ना, खैर बात जो है ना मैं तो कुछ और करूँगा, मुझे तो इसमें सबसे बड़ी जो करप्शन के मामला हैं ना, ठीक है वो अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताया है कि भाई ये जो हमारे लोग जो बाहर की कंपनियों को ठेके दे देते हैं, जैसे वो लोग थे नीचे थे ऊपर आए और मज़ीद आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है हम लोग जो है हम हमारा हिसाब ही अलग है। ऊपर से माशाल्लाह हमारी हुकूमत, ठीक है काम तो उन्हीं के है ना कि भाई सबसे पहले तो वो ये अपना कर्जे निकल पा रहे हैं, कर्ज़ों पर कर्जे ले जा रहे हैं और लेने के बाद क्या कर रहे हैं कि जो जो चीज़ हमें लेनी चाहिए, ठीक है जिसको ले कर अपने पास रखना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। आज रेट कितने ऊपर चले गए हुए हैं लेकिन चीज़ हमारे पास फिर नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इनको गोल्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहिए, जो जैसे चाइना हो गया या बाहर के जो ममालिक आके यहाँ से गोल्ड निकाल रहे हैं हमारा, तो वो ये खुद ये काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये इसी तरीके से ऊपर चले जाएँ। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मैं आपको सही बात बताता हूँ, एक तो ये तो इंडिया की जो गवर्नमेंट के पास है गोल्ड ये वो बताया गया, वो बताया हाँ, गया सर कि ये 700-750 टन खाली ये गवर्नमेंट के पास जो है रिजर्व, ये वो बताया गया। मंदिरों के और लोगों के डाले गए ना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का एक तरफ रख दो, जितना इंडिया के पास गोल्ड मंदिरों और लोगों के पास है ना वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दुनिया का तो यार 11% तो सिर्फ महिला है, खाली इंडिया के औरतों के पास है। मतलब आपको अंदाजा लगा ले भाई, इस बात से आइडिया लगा लो वो भी किस टाइम था, अभी तो शायद 20% औरतों के पास। जिस तरह भाई ने बोला है कि यार जब अलग हुआ था इंडिया और पाकिस्तान तो ज्यादा उनके पास इंडिया के पास रह गया, बहुत सोना है। मैं आपको बताता हूँ इधर चाइना लगा हुआ है सोना निकाल रहे, कुछ परसेंटेज हमें दे रहे हैं बस, हमारी इस तरह लोग हैं। मतलब उन्होंने बोला सोना निकालो हमें कुछ परसेंटेज तो बहुत है निकल रहा हमारी कंट्री में से भाई, इन लोग मतलब यहाँ पर हमारी कंट्री मार खा जाती है जब हम इतने लेजी हैं, हम खुद वो काम नहीं करते। हाँ भाई और दूसरों पे हम सारा लेते हैं। नहीं यार लेजी की बात नहीं है, सारे मजदूर पाकिस्तानी लगे हुए, ये बात नहीं है लेजी की बात नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास तो मशीनरी नहीं है तो डबल पैसा निकल जाता है, हमारे पास तरीका ही नहीं है किस तरह उसको निकालते हैं हम, उनके पास चीज पता ही नहीं है, हम बाहर से मंगवा लेते हैं चाइना स्पेशली, हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि गोल्ड निकाला किस तरह जाता है, उसको साफ किस तरह किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में किस तरह लाया जाता है, हमें इसका पता ही नहीं है। मतलब वो ये चाइना मुख्तलिफ ऐसी मशीनरी लगाता है तो वो चीज निकाल के, पाकिस्तान में काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्ड है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि मतलब इधर गोल्ड है, इंडिया ढूंढ रहा है, इंडिया हर साल इंडिया में कोई ना कोई कान निकल आती है, कोई ना कोई माइन निकल आती है। दूसरी मेन बात यह है कि यार इंडिया के पास पैसा है, वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है क्योंकि आने वाला वक्त जिस तरह चल रहा पैसे की वैल्यू नहीं रह रही,
अब गोल्ड लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पास गोल्ड होगा वो आगे देगा, जिस तरह मतलब 1991 में इंडिया ने जिस तरह किया था गोल्ड देकर फिर वापस अपना ले लिया कर्जा, वो तो इमरजेंसी इमरजेंसी के तौर पर मतलब उन्होंने किया था, बाद में फिर वापस ले लिया था, ले लिया था, मतलब काम के एसेट होते हैं रखते हैं। तो यार ये इसमें बहुत अच्छा स्टेप है और लोगों की भी ये राय थी आप लोगों, और इसमें कोई शक नहीं है इंडिया सोने की चिड़िया था, और मतलब मैं बनेगा फिर और अभी भी है यार, लोगों के पास इतना सोना है, मंदिरों में गवर्नमेंट के पास मतलब इतना सोना यार जितना शायद ही किसी देश के पास हो। बिल्कुल गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।